आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ना, बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर, विटामिन से भरपूर ये सब्जी है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं ब्रोकली की बहुत ही स्वादिष्ट और उसी के साथ साथ हेल्दी वाली सब्जी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मायाज किचन कट्टा। और तो चलिए चालू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी बहुत ही ईजी है। मिनिमम मसालों का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बनाया गया है, ताकि इस रेसिपी का जो मेन मोटिव है, हेल्दी रेसिपी जिसे हम कहते हैं, वो मसालों के आड़ में कहीं छुप ना जाए। तो चलिए आज की रेसिपी हम चालू करते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें डालना है ब्रोकली। ब्रोकली को हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से यहाँ इसके अंदर भून लेना है। ये देखिए, ब्रोकली को मैंने इस तरीके से काट लिया है और 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लिया है। अब हम इस ब्रोकली को इस ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि ब्रोकली अपना कलर जो है हल्के से चेंज ना कर दे। ब्रोकली ऑयल में डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरीके से छींटे उड़ सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। तो चलिए, ब्रोकली अब डाल ली है पैन में। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम आंच पे लगातार चलाएंगे इस तरीके से। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हो ब्रोकली का कलर जो है हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब इस टाइम पे हम ब्रोकली को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में मैं फिर से 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप रिफाइंड या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाल लिया है। अब तेल को फिर से गर्म होने देंगे, ताकि तेल का जो रॉ स्मेल है, कच्चा स्मेल है, वो चले जाए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से फूल जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने कोई खड़े मसाले का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ जीरे का उपयोग किया है, क्योंकि इस रेसिपी को हमें सिंपल और सादा ही रखना है। जीरा अच्छे से फूल गया है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज को हम स्लो टू मीडियम आंच पे अच्छे तरीके से पका लेंगे, जब तक कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए और अच्छे से पक गए हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन हल्के से क्रस्ट करके लिया है, एकदम उसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। इससे जो है सब्जी का स्वाद और भी खुल के आएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच अदरक ऐसे कद्दूकस करके लिया है। अब हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो उसका रॉ स्मेल है वो चले जाए। तो चलिए, अदरक और लहसुन के पेस्ट का रॉ स्मेल भी चले गया है और अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का टोमेटो, इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। टोमेटो डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। मसाले हमें ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसके बाद एक मेन सीक्रेट मसाला जो है वो हम डालेंगे, जिससे कि सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, जो कि है चिकन मसाला। जी हाँ, यहाँ पे हम चिकन मसाले का यूज़ करने वाले हैं। आपके घर में जो भी चिकन मसाला हो आप इसमें डाल सकते हो, और अगर चिकन मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हो। लेकिन चिकन मसाले से क्या होगा, इस सब्जी का स्वाद जो है और खुल के आएगा। अभी आपको थोड़ा सा इसमें ड्राइनेस लग रहा है, क्योंकि मसाले हमने डाल दिए हैं, तेल का इस्तेमाल हमने इतना ज़्यादा नहीं किया है। तो इसीलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाले जो है जले ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले हो अच्छे से पक जाए। स्लो आंच पे ढक्कन लगा के हमें 5 से 6 मिनट तक मसालों को अच्छे से पका लेना है। तो चलिए, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं अपने मसाले रेडी है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मसाले रेडी है अपने। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ब्रोकली, जो हमने भून ली थी। अब ब्रोकली को मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे।
इस तरीके से हमें ब्रोकली को जो है मसाले में अच्छे से कोट कर लेना है, ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं उसका जो स्वाद है ब्रोकली में आए। और ये जो सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, जैसे कि अपना गोभी फ्लावर होता है, उससे भी कई ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, पानी इतना ही डालना है जिससे ब्रोकली जो है अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे वो कहाँ से भी। तो चलिए नमक जो है मिक्स हो गया है, अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ही पानी डाला है, छोटा चम्मच जो रहता है हमारा उस चम्मच से, और इसके ऊपर अब हम ढक्कन रख के इसको अच्छे से पकाएंगे। ढक्कन रख के हमें ब्रोकली को स्लो टू मीडियम आंच पे 9 से 10 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि अपनी ब्रोकली जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और पूरी तरीके से पक ना जाए। तो चलिए यहाँ पे 9 से 10 मिनट हो गए हैं और अपनी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हो सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, कहीं से भी ब्रोकली जो है बिल्कुल कच्ची नहीं है। तो यहाँ पे इस बाउल में मैं इसको निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी मैं रेसिपी शेयर करूँ आप तक सबसे पहले हो पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दाल चावल रोटी और ब्रोकली की सब्ज़ी का डिश रेडी कर दिया है। आप देख सकते हो फुल थाली रेडी है अपनी, प्रोटीन से भरपूर और हेल्दी वाली। तो चलिए ये रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।